हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अत्तारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मुकदमा, आइए दोस्तों, आज हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों के नब्स बहुत छोटा होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल आई कि सर नब्स कितना लंबा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नब्स की लंबाई 2.5 इंच तक होनी चाहिए। अगर 2.5 इंच है आपकी नब्स की लंबाई तो आप पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं। अब बाकी देखिए दोस्तों, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे फार्मूले चल रहे हैं, या जिन लोगों ने गलत हरकतें की हैं उन लोगों का बहुत ही छोटा और बहुत ही पतला हो चुका है। और दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है कि टाइमिंग कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम 5 मिनट टाइमिंग होना चाहिए। अब अगर इससे कम है और पेनिस की लंबाई यानी कि लिंग की लंबाई इससे कम है, 2.5 से कम है, तब उसे ज़रूरी है कि वो दवाई इस्तेमाल करे। और अगर इससे ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, और भी बेहतर है। मैंने ये आपको लास्ट बताया, बाकी ज़्यादा फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इतना है तो आप संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकता है। बाकी दोस्तों, टाइमिंग भी मिनिमम 5 और 2.5 इंच तक लास्ट, बाकी जितनी लंबाई बढ़ जाए घट जाए वो आपके लिए बेहतर ही है। अब देखिए दोस्तों, लोगों का सवाल है कि इसके लिए कोई दवाई बताइए जिससे कि ऊपर हो सके, इसकी लंबाई बढ़ सके, मोटाई बढ़ सके। तो देखिए दोस्तों, आज का जो नुस्खा है बहुत ही बेहतरीन है, ये आपकी लंबाई और मोटाई को दोनों को ही बढ़ाएगा। अक्सर सवाल तो ज़्यादातर लंबाई से नहीं होता है, अक्सर मोटाई होना ज़रूरी होती है। तो देखिए दोस्तों, आज उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपकी मोटाई और लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो और देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने गलत हरकतों की बिना पर नसें ढीली पड़ गई हैं, तनाव नहीं होता, कड़कपन नहीं होता, ढीलापन है, तो देखिए दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। या बाज़ लोगों की आधी उम्र में पहुंचने के बाद नसों में ढीलापन, कड़कपन, या ज़्यादा हम स्त्री करने से यानी कि पार्टनर से ज़्यादा मिलने से या ज़्यादा सेक्स करने से भी नसें ढीली पड़ जाती हैं, तो उन लोगों के लिए ये नसों में तनाव भी पैदा करेगा और जो नसें ढीली हो चुकी हैं उनको भी सही करेगा, उनमें तनाव पैदा करेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम बिना ताखीर के नुस्खे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिए जिससे कि जरूरतमंद होता है कि नुस्खे पहुँच सके, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए दोस्तों, अब हम बिना ताखीर के नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो हमें करना क्या है दोस्तों, 50 ग्राम बीर ब्यूटी लेनी। बीर ब्यूटी लेने के बाद आप उसे एक खरल में खूब घोट लें, कम से कम 2 घंटे तक आप इसे घोट लें। घोटने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें सांडे का तेल मिला लेना, 85 ग्राम आप सांडे का तेल मिला लें। मिलाने के बाद दोस्तों, और इसके अंदर इतर हिना बढ़िया वाला ले लें, अच्छी क्वालिटी वाला आप इतर हिना ले लें, थोड़ा सा इसमें इतर मिला लें। मिलाने के बाद दोस्तों इसे आप मिलाकर रख लें। मिलाकर रखने के बाद अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसे रात को सोते समय यानी कि अगला हिस्सा छोड़कर पहले दोनों साइडों से और फिर ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, इसकी मालिश करने से जो नसों का ढीलापन है, जो तनाव नहीं हो पाता, कड़कपन पैदा नहीं हो पाता, तो कड़कपन भी पैदा हो जाएगा और तनाव भी ठीक रहेगा, पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसे इस्तेमाल कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। इसके इस्तेमाल करने से जो है मिस्तुन से आई कमजोरियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, और जो आधी उम्र में पहुंच जाते हैं अक्सर उनकी टाइमिंग भी कम हो जाती है और नसें भी ढीली पड़ जाती है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।